नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नासिक कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की क्लास में पढ़ेंगे, इसके पहले मैंने आपको बताया था कि अगर आपको सिंगल आई कार्ड बनाना हो तो आप किस तरीके से सिंगल आई कार्ड को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे कि अगर आप ये चाहते हैं कि मुझे सिंगल नहीं, मुझे मल्टीपल आई कार्ड क्रिएट करना है, तो बहुत ही आसान तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं। देख लीजिएगा, आपके सामने यहाँ पे सिंगल आई कार्ड है जो हमने इसके पहले बना के बताया था आपको, और आज के वीडियो में आप पढ़ेंगे कि आप मल्टीपल आई कार्ड किस तरीके से क्रिएट करेंगे। देख लीजिएगा, ये सिंगल है और ये आपका मल्टीपल है। तो आज क्लास में हम मल्टीपल ही क्लास आज पढ़ेंगे कि मतलब मल्टीपल आई कार्ड किस तरीके से क्रिएट करेंगे, वो भी एमएस ऑफिस वर्ड में। ठीक है, इस आई कार्ड को हमने आपको इसके पहले ने बता रखा था, जो इसके लिंक को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप इसे देख लीजिएगा किस तरीके से हमने क्रिएट कर रखा। लेकिन आज के प्रोसीजर में कुछ अलग ही होगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरीके से हमें इस आई वीडियो कार्ड। में आगे बढ़ने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं जो कि आगे आने वाले वीडियो तो सबसे आइए पहले। देखते हैं करना क्या हमें है। पहला काम हमारा ये रहेगा कि जो आई कार्ड मुझे क्रिएट करना है उस आई कार्ड में हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, वो हमारे पास उसे एक्सेल में फिड करना होगा। जैसे मुझे नेम, क्लास, एड्रेस, मोबाइल नंबर, अगर आप ये चाहते हैं कि फोटो भी हम ऐड कर दें तो इसमें फोटो भी ऐड करना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक्सेल सीट में इस तरीके से, जिस तरीके से हमारे पास यहाँ पे रिकॉर्ड शो कर रहे हैं उस तरीके से आपको फीड करना है। ठीक है, यहाँ पे हमने फोटो का लिंक दे रखा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने ऐड करा कि मतलब डायरेक्ट इसे जम करा लेंगे, लेकिन आज के वीडियो में हम इस तरीके से आज नहीं सीखेंगे क्योंकि ये थोड़ा लंबा प्रोसीजर है और आपको समझने में थोड़ा समस्या हो सकती है। इसलिए आपको हम सिंपल तरीके से बताएंगे किस तरीके से हमें फोटो ऐड करना है। ठीक है, तो करना क्या, इस तरीके से आपको फीड कर लेना। फीड करने के बाद इस पेज को आपको शेप करना है। शेप करने के बाद करना क्या हमें है, इस फाइल को मैं शेप कर लेता हूँ फिलहाल, इस फाइल को मैं शेप करता हूँ। शेप करने के बाद इसको हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है, क्लोज हो गया। क्लोज करने के बाद हमें क्या करना है, अब एमएस ऑफिस वर्ड का पेज ओपन करना है। इस तरीके से एमएस ऑफिस वर्ड का पेज ओपन करने के बाद पहला काम हमारा क्या रहेगा कि इसके मार्जिन की सेटिंग करना होगा। ठीक है, मार्जिन की सेटिंग के लिए मार्जिन में आना पड़ेगा और यहाँ कर दीजिएगा नैरो। ठीक है, तो इस तरीके से मार्जिन सेट आपका हो जाएगा। अब बात आ रही है कि आपको जो आई कार्ड क्रिएट करना है वो लैंडस्केप में करना है या पोर्ट्रेट में करना है। तो दोस्तों जिस तरीके से आप क्रिएट करना चाहते हैं उस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, चाहे लैंडस्केप हो या चाहे पोर्ट्रेट हो। ठीक है, अब हम करना क्या हमें है कि मैं सोच रहा हूँ मुझे पोर्ट्रेट बनाना है। तो पोर्ट्रेट बनाने के लिए पहला काम हमारा ये रहेगा कि मुझे देखना है कि A4 साइज के पेज पेज जो हमारा है उसमें कितने आई कार्ड बन जाएंगे। तो मिनिमम मान के चलिए जो आई कार्ड की साइज होती है वो 2.2 होती है उसकी। अगर मान लीजिए मैं पोर्ट्रेट बना रहा हूँ तो उसकी चौड़ाई जो होनी चाहिए 2.2 होना चाहिए, और जो इसकी चौड़ाई लंबाई होनी चाहिए वो 3.3 होनी चाहिए। तो इसमें 2.2 का मतलब हो गया 1 2 3, मतलब 3 आई कार्ड आपका फिट होगा। और 3 आई कार्ड हो गया, और यहाँ पे 3x3 का मतलब 3.3 का मतलब ही हो गया कि आपका टोटल कितना है, 11 9 है, तो 3 दिनों 3 3 का 9। ठीक है, मतलब टोटल 9 आई कार्ड क्रिएट हो जाएगा। तो उसके लिए हमें जाना कहाँ पे है, इंसर्ट टैब में, और इंसर्ट टैब में जाने के बाद आपको टेबल में जाना है, और यहाँ से आपको 3, ठीक है, रो और 3 कॉलम इंसर्ट कर लेना है। इंसर्ट कराने के बाद आपको यहाँ पे इन तीनों जो आपका टेबल है, तीनों रो और कॉलम को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको लेआउट में जाना है और यहाँ पे कर दीजिएगा इसके जो विड्थ लंबाई होगी 3.3, कर दीजिएगा एंटर। तो देख लीजिएगा इस तरीके से आई कार्ड नुमा आपके सामने बन के आ जाएगा। ठीक है, समझा गया किस तरीके से हमने ऐड किया है। उसके बाद हमें क्या करना है, जाना इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में जाने के बाद एक सैप्स लेना है आपको, सैप्स ले लीजिएगा और इसे ऐसे ड्रैग कर लीजिएगा। ठीक, थोड़ी सी साइज थोड़ा सा कम कर दीजिएगा, थोड़ा जूम कर लेते हैं। ठीक है, और इसका आउटलाइन कर दीजिएगा नन। जो भी सेट करना आपको एक सेट एक में ही सेट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद इसका कलर जो देना है आप कलर दे दीजिएगा एकदम ब्लू, क्योंकि ब्लू देने के बाद इसमें जब व्हाइट कलर का मैटर आप लिखेंगे तो बेहतर दिखेगा। ठीक है, इस पर राइट क्लिक मारना है। राइट क्लिक मारने के बाद यहाँ ऑप्शन मिलेगा आपको ऐड टेक्स्ट, एड टेक्स्ट में जाना है, और यहाँ आप जिस भी कंपनी या इंस्टीट्यूट का आई कार्ड क्रिएट करना चाहते हैं उसका नाम देना है। तो मान लीजिए हमने दे दिया आपने संस्था का NIC,
कंप्यूटर्स, ठीक है फ्रेंड, एड्रेस देना मुझे, तो यहाँ हमने दे दिया शुगर मेल रूट इलाहाबाद, ठीक है। इसके साइज को हम थोड़ा साइज बढ़ा कर देते हैं, होम टैब में जाएंगे और यहाँ की साइज बढ़ा देंगे, बोल्ड कर देंगे। अगर स्टाइल चेंज करना है तो आप यहाँ स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके इस लाइन स्पेसिंग कम करना है तो आप लाइन स्पेस कर लीजिएगा यहाँ से कम, इस तरीके से, ठीक है। अब हमें क्या कर देना है, इसकी थोड़ा सा विड्थ कम करना है इस तरीके से, ठीक है। ये थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, ये देखिए। अब हमें क्या कर देना है, यहाँ पे क्लिक करना है और लिखना है यहाँ पे आई आईडी कार्ड कार्ड, आई से सेंटर में ऐड करना है। सेंटर में ऐड करने के लिए आप इसे सेंटर में ऐड कर दीजिएगा, फिर आपको एंटर लगाना है। एंटर लगाने के बाद अब मुझे करना क्या है, एक सैप लेना फोटो ऐड करने के लिए। दोस्तों अगर आपको एक ऐड और होता है फोटो मंगाने के लिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे किस तरीके से उसे मंगाएंगे, लेकिन आज के लिए बेसिक रूप में कैसे देखेंगे वो आज मैं बता रहा हूँ आपको। इस तरीके से फोटो ऐड करिएगा, फोटो का जो भी लेंथ होगा आप सेट कर लीजिएगा, ठीक है। साइज बढ़ाना है, साइज बढ़ा लीजिएगा। अब मुझे फिर इंटर मारना है यहाँ पे, या यहाँ इंटर मारिएगा, लिखिएगा नेम नेम, ठीक है। नेम हो गया, फिर एंटर, एड्रेस हो गया, फिर एंटर, क्लास मोबाइल नंबर, फिर एंटर और नीचे कर लीजिएगा, फोटो की साइज थोड़ा बड़ा कर लीजिएगा, ठीक है। और आईडी कार्ड की साइज थोड़ा बड़ा कर लीजिएगा बोल्ड करके, जो दिखने में बेहतर लगे, ओके। सेलेक्ट कर लीजिएगा और एक ऑब्जेक्ट और लेना आपको, तो फिर जाना पड़ेगा सैस में सिग्नेचर के लिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ सिग्नेचर के लिए मैंने ऐड कर लिया, और इसके सैप्स लाइन आउटलाइन कर दीजिएगा नन, और जो कलर हमारा होगा कर दीजिएगा ब्लू, ठीक है। इसमें मुझे सिग्नेचर के लिए देना है, तो सिग्नेचर के लिए राइट क्लिक मारेगा और यहाँ ऑप्शन मिलेगा आपको ऐड टेक्स्ट, ऐड टेक्स्ट पे जाना है, चल ठीक है। तो इसकी विड्थ बढ़ा दीजिएगा इस तरीके से, आप सिग्नेचर की जो राइट लेफ्ट कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो भी सिग्नेचर रहेगा आप ऐसे ऐड कर सकते हैं, ओके। ये तो हमारा आई कार्ड का क्रिएट हो गया। अब हमें क्या कर देना है, इसमें जो फोटो देना है फोटो आप दे सकते हैं, या अगर आप ये चाहते हैं मुझे फोटो अलग अलग करना है तो अलग अलग कर सकते हैं, कोई बात नहीं। इतना करने के बाद अब हमें क्या कर देना है, इतना करने के बाद आपको जाना है कहाँ पे, मेलिंग टैब में, ठीक है दोस्तों। मेलिंग टैब में जाने के बाद, क्योंकि मेलिंग टैब के द्वारा हम एक्सेल शीट में जो डेटा हमने बना रखा है उसे इम्पोर्ट कराएंगे, तो मेलिंग टैब में जाएंगे। मेलिंग टैब में जाने के बाद क्या करना है, मुझे यहाँ आना है स्टार्ट मेल मर्ज में, क्योंकि दोस्तों हमने एक ही आई कार्ड क्रिएट कर रखा है और सेम आई कार्ड मुझे यहाँ पे जितने भी बॉक्स बना हुआ है, 9 बॉक्स हमने बना रखा है, 9 बॉक्स में ऐड करना है। तो कैसे ऐड करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा यहाँ पे स्टार्ट मेल मर्ज में, और यहाँ देखिए दे रखा है लेबल, लेबल पे क्लिक कर लेना है। लेबल पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से एक पॉप खुलेगा, यहाँ पे कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं करना है, आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद फिर ओके करना है, और इसके बाद इस तरीके से एक पेज खुलेगा आपके सामने, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल जेड दबा देना, जब कंट्रोल जेड दबाएंगे तो सेम पेज आपका खुल के आ जाएगा, और आपको आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, देख लीजिएगा, अपडेट लेबल के नाम से, आपको अपडेट लेबल्स पे क्लिक कर देना। जैसे अपडेट लेबल पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा सेम आई कार्ड आपके सारे बॉक्स में ऑटोमेटिक फिग ऐड होके आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट आई कार्ड में जो भी रिप्लेसमेंट करेंगे ना, ऑटोमेटिक यहाँ पे रिप्लेस होता चला जाएगा। देख लीजिएगा, मैंने सारे मैटर को सेलेक्ट किया और बोल्ड किया, देख लीजिएगा हमने बोल्ड किया, बोल्ड करने के बाद ऑटोमेटिक मैं जाता हूँ कहाँ पे, मेलिंग टैब में, और यहाँ अपडेट पे क्लिक किया, देख लीजिएगा सारा मैटर आपका बोल्ड हो गया,
ठीक है। उसके बाद हमें क्या कर देना है कि जो डेटा हमने वहाँ पे एक्सेल में फीड कर रखा है उस डेटा को मुझे मंगाना है, क्योंकि देखिए नीम अलग अलग होना चाहिए, सबका डेटा अलग होना चाहिए, नीम अलग होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने छोटा डेटा बना रखा है। अब बात आ रही कि उस एक्सेल सीट को हमें किस तरीके से यहाँ मंगाना है, उसके लिए हमें जाना कहाँ पे है, यहाँ पे सेलेक्ट रेसिपेंट ऑप्शन में, या यहाँ मिलेगा यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट, और यहाँ जाने के बाद मुझे ये जाना होगा कि जो डेटा हमारा फाइल है एक्सेल की सीट है वो कहाँ पे है। तो डॉक्यूमेंट में है, डॉक्यूमेंट में किस नाम से है, तो वो है आई कार्ड इन एक्सेल के नाम से। मैंने उसको सेलेक्ट किया और ओपन किया। ओपन करने के बाद इस तरीके से आपके पास एक खुलेगा। अब बात यहाँ पे ये आ रही है कि जो डेटा आपने फीड कर रखा है वो सीट 2 में है या सीट 3 में है। तो दोस्तों जो डेटा हमने फीड कर रखा है वो सीट 2 में है, तो मैं सीट 2 को किया सेलेक्ट कर दिया। ओके ओके करने के बाद इस तरीके से एक विंडो फिर खुल के आएगा, देख लीजिएगा यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे शो कर गया सारा। अब मुझे यहाँ पे क्लिक करना है इंसर्ट मर्ज फील्ड पर। इंसर्ट मर्ज फील्ड पर क्लिक करने के बाद देख लीजिएगा जो जो हमने वहाँ पे फेड कर रखा है वहाँ पे यही चीज़ यहाँ पे लिस्ट में दिखा रहा है। मुझे यहाँ पे नेम के सामने क्लिक करना पहले, और कितने दूर के बाद मुझे मंगाना है यहाँ सेट कर लेंगे और यहाँ नेम पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। फिर आएंगे यहाँ पे, फिर सेट करेंगे क्लास, फिर आएंगे सॉरी यहाँ पे एड्रेस होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं एड्रेस मंगा लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर मुझे यहाँ पे क्लास मंगाना है, तो यहाँ से आप क्लास पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर, तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर पे क्लिक कर देना है, तो यहाँ पे मोबाइल नंबर मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इतना करने के बाद आपको फिर कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे मिलेगा ऑप्शन फिर अपडेट लेबल्स। अपडेट लेबल्स पे जैसे क्लिक करेंगे देख लीजिएगा हर जगह आपका सेम मैटर जो हमने मंगा रखा है वो आ गया, ठीक, देख लीजिएगा इस तरीके से। अब मुझे क्या कर देना है, यहाँ पे फोटो लगाना है। तो फोटो लगाने से पहले मैं ये देख लेता हूँ कि यहाँ पे किसका किसका नाम शो कर रहा है। तो आ जाएंगे प्रीव्यू रिजल्ट पर। प्रीव्यू रिजल्ट पे जैसे क्लिक करेंगे देख लीजिएगा यहाँ पे सारा नाम अलग अलग आ गया, राजकुमार, सुरेश, सागर, ठीक है, शमीर, शकील, अर्पित, कार्तिक, दिलीप, दीपक, इस तरीके से सारा नाम यहाँ पे देख लीजिएगा आ गया, देख लीजिए, ठीक है, हर व्यक्ति का अलग अलग नाम आ गया। अब दोस्तों बात यह आ रही है कि यहाँ पे जो फोटो होना चाहिए वो सबका अलग अलग होना चाहिए। दोस्तों फोटो अलग अलग करने के लिए आपको थोड़ा सा कोडिंग करना पड़ता है, तो कोडिंग के लिए आज हम कोडिंग का काम नहीं करेंगे, आपको मैं सैंपल तरीका बताऊँ किस तरीके से उस फोटो को यहाँ पे मंगाएंगे। तो फोटो मंगाने के लिए बेहतर ये रहेगा कि मैं एक छोटा सा आपको बता देता हूँ ऑप्शन किस तरीके से फोटो मंगा लेंगे, कि नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कोडिंग के द्वारा जिस तरीके से आपने यहाँ पे नेम मंगा लिया उस तरीके से फोटो कैसे जंप रहेंगे वो भी अलग अलग, ठीक है। तो फोटो कैसे मंगाना है, हम जाएंगे यहाँ पे फॉर्मेट में और सर्च फील्ड में जाएंगे, पिक्चर्स में जाएंगे। पिक्चर्स में जाने के बाद आपको जाना पड़ेगा डेस्कटॉप पे, क्योंकि जो डेटा हमारा इमेज है वो डेस्कटॉप हमने रख रखा है। अब बात आ रही है कि यहाँ पे मुझे राजकुमार है, तो राजकुमार का फोटो यहाँ पे है। आप ऐसे नाम लिख लेंगे सबका अलग अलग, ठीक है, अलग अलग नाम लिखने के बाद इंसर्ट करा लेंगे, देख लीजिएगा इस तरीके से आ जाएगा। फिर आएंगे कौन है, सुरेश भाई, फिर आई कार्ड फेल, और यहाँ पे मैं सुरेश को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, इस तरीके से। सागर, दोस्तों इस तरीके से हम सारे आईकॉर्ड में फोटो फिल कर लेंगे, और यहाँ देखेंगे देख लीजिएगा सारा आपका आईकॉर्ड मेंटेन होकर आ गया, और इसे आप A4 साइज प्रिंट फोटो प्रिंटर से आप प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा है वीडियो आपको पसंद है, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, चैनल पे नए हैं चैनल सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकॉन दबाएगा जो नई वीडियो के नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।